है आज हाई कोर्ट बार की इलेक्शन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए और आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए कि कोर्ट्स की जो है, अदालतों की जो है वो इलेक्शन कैसे होती है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि इलेक्शन जो है वो कैसे होती है हाई कोर्ट अदालतों की। हमारे साथ है और तीरथ से पूछे गए उनको, तीरथ को क्या लगता है कि कौन सी चीज़ आज का ये इलेक्शन। जी तीरथ, आपको क्या लगता है? देखा जाए तो अभी सारा इलेक्शन का जो माहौल है वो सब गर्म लगा पड़ा हुआ है। अभी कुछ किसी को बोला नहीं जा सकता क्योंकि सब एक दूसरे से जीतने की कोशिश में, सब कैंडिडेट अपनी मेहनत रवा दवा है, सबकी उम्मीद है कि सबको सफलता मिले, मगर सबको नहीं मिल सकती कोई, क्योंकि इलेक्शन में एक ही आएगा जिसको आना होगा। मगर हमारी नेक तमन्ना है, सबके साथ है, बाकी जिसकी अच्छी होगी सबसे दुआ सलाम वही जीतेगा। सही, यानी इस फील्ड में जो है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जो है सोशल होना वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोशल बगैर सोशल के कौन, किसी को जानता ही नहीं, चेहरा ही नहीं देखा होगा तो कैसे वोट डालेगा। भले कहीं दूर से भी किसी का चेहरा देखा होगा ना तो वोट उसी को डालेगा, मगर ऐसे कैसे वोट डालेगा, तो किसी को कुछ देखा नहीं, पता नहीं। तो इस वजह से तमाम बेस इंपॉर्टेंट जो होता है वो इसी इलेक्शन के लिए यही होता है कि सोशल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ अभी जो है वो एडवोकेट अतीक सुमरो साहब हैं, तो इनसे भी जो है वो व्यूज़ लेंगे अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन जो है रिगार्डिंग इलेक्शन के हवाले से कि उनकी उनकी नज़र में जो है वो क्या है, उनको क्या लगता है कि कौन जो है इलेक्शन जो है जीत सकता है। जी अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाई कोर्ट की इलेक्शन में शरीक होने जा रहे हैं और कुछ नए दोस्त आने जा रहे हैं, वो आज आएंगे। लास्ट ईयर जो उनका टर्न पूरा हो गया है वो देखते हैं क्या होता है। अभी इलेक्शन शुरू होने वाली है, थोड़ी देर में आपको वहाँ लेके चलेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह न्यू फेसेस कौन से आते हैं और क्या करते हैं फ्यूचर। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है? अच्छा, अब ये ज़रा बता दें कि इलेक्शन के हवाले से अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कोई कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो उस हवाले से आपके क्या है, मतलब सजेशंस हैं कि जो खड़ा होना चाहता है फॉर सपोज कि जैसे लॉयर्स हैं या, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है? सोशल होना ज़रूरी है, फेसेस उनके जो हैं वो आने ज़रूरी हैं। जी हाँ, शरिया इसमें यह होता है कि आपको यहाँ पे पीआर बनानी पड़ती है अपनी, और तकरीबन आपको फुल डे टाइम देना पड़ता है, और मोस्टली आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पीआर बनेगी, लोगों से मेल जोल बढ़ेगी, और इसी तरह से आपको एक्सपीरियंस भी होगा, तो जो आप जितना ज़्यादा लोग जानेंगे उतनी आपकी ज़्यादा वोटिंग, और इसके अलावा आप जो है क्लाइंटेशन भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इंक्रीज होगी। जी जी जी, ये सही 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 सही। इसी वजह से आज यू जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं देखते हैं वो जीतते हैं या नहीं जीतते। ठीक है चलें, तो आपको फिर जो है दिखाते हैं कि हाई कोर्ट बार की जो इलेक्शन कैसे होती है, अदालतों की इलेक्शन बाकी तो आपने देखी होगी, लेकिन ये आपको दिखाते हैं आज। चलें, तो अभी हम हाई कोर्ट बार में बैठे हुए हैं, वहाँ जो है वो इलेक्शन चल रहा है, वहाँ बहुत रश था तो इस वजह से जो है मैं अंदर आ गया हूँ, तो अभी थोड़ी देर में फिर से बाहर जाऊँगा क्योंकि मेरे जो सीनियर हैं वो अभी आ रहे हैं, फिर जो है बाहर चलते हैं, फिर आपको ये दिखाता हूँ। फिर तक आपको जो है ये हाई कोर्ट का जो बार है वो आपको भी खड़े हुए हैं और
उनको जो है वो उनको रिमाइंडर के लिए उनको कार्ड्स दे रहे हैं, अपने अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए खड़े हुए हैं, और जो वोटर्स हैं उनको वो बता रहे हैं कि जो है आपको उनको वोट देना है। क्या तो लगे इलेक्शन के बारे में तुम्हारा व्यूज़ है?